गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट. सो टूडे विल लर्न जीके सब्जेक्ट. ओके, इन जीके टूडे विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3. द नेम ऑफ आर चैप्टर इज फन विथ नंबर्स. ओके, सो यहाँ पे पूरे चैप्टर में आपको पजल दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सी हियर, लेट्स हैव फन विथ नंबर. रीड द हिंट्स गिवन बिलो एंड राइट द नंबर एसोसिएटेड विथ ईच. ओके, सो जो हिंट दी है उसको देख के आपको फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन सा है. सो सी हियर, फर्स्ट वन इट इज गिवन टोटल डॉट्स ऑन अ डायस. आपने जो डायस, हमने मैथ्स में कितनी बार डायस वाला पार्ट सीखा है. हम डायस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जब आप लूडो खेलते हो या फिर चेस खेलते हो तब आप डायस का यूज़ करते हो. सो जो डायस होता है उसके ऊपर टोटल डॉट्स कितने होते हैं, जो उसकी टोटल साइड है उसके सारे साइड का डॉट अगर आप काउंट करोगे तो वो 21 होगा. अगर आपके घर पे डायस है सो आप उसको काउंट भी कर सकते हो. प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, आंसर इज 8. नाउ नंबर ऑफ पीसेस इन 10 ग्राम पजल. ओके, 10 ग्राम पजल हमने मैथ्स में ये सीखा है, 10 ग्राम पजल. सो 10 ग्राम पजल जो है वो एक चाइनीज पजल है और वो जो पजल है उसमें टोटल पीस कितने होते हैं, सो 7. ये आपको याद रखना है सारे नंबर. 10 ग्राम जो पजल है उसमें टोटल 7 पीस होते हैं. वो 7 पीस को आप इधर उधर अरेंज करके उसमें से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हो, डिफरेंट डिजाइंस पैटर्न्स बना सकते हो. नाउ फोर्थ वन, साइड्स इन अ ट्राइंगल. ये तो आपको याद ही होगा, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, टोटल 3. नाउ फिफ्थ वन, हाउ मैनी पीसेस आर ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ गेम ऑफ चेस. चेस की जो गेम है उसको आप जब स्टार्ट करते हो तो बोर्ड पे आप टोटल कितने पीस होते हैं वहाँ पे, 32. नंबर ऑफ बिट्स इन अ बाइट, ये आपका कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है. 1 byte में कितने बिट्स होते हैं, 8. 1 byte इज इक्वल टू 8 bits, या 8 bits इज इक्वल टू 1 byte. सेवन वन, द इवन नंबर विच इज प्राइम. ओके, यानी कि ऐसे नंबर कितने हैं, कौन सा ऐसा नंबर जो है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है. सो वो आपका नंबर है 2. 2 जो है उसको इवन नंबर भी बोला जाता है और प्राइम नंबर भी वो ही है. 8 1, नंबर ऑफ व्हील्स इन अ यूनिसाइकल. ओके, यानी कि जो यूनिसाइकल है उसके व्हील्स के नंबर आपको लिखना है, सो इट इज 1. नाउ 9 नंबर, नंबर ऑफ प्राइमरी कलर्स. ओके, प्राइमरी आपने कलर्स तो हम बहुत सारे होते हैं बट उसमें जो प्राइमरी कलर जो है वो कौन कितने हैं, टोटल 3 है. कौन कौन से, रेड येलो एंड ब्लू, ये तीनों को प्राइमरी कलर बोला जाता है. नाउ 10 नंबर, नंबर ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियन. ओके, टोटल कंटिनेंट एंड ओशियन का नंबर आपको फाइंड आउट करना है. सो टोटल कंटिनेंट्स है 7 एंड ओशियन है 5. अगर आपको इसके नेम लिखने हैं सो आप वो सर्च करके भी नेम उसके फाइंड आउट कर सकते हो. 11 नंबर, साइड्स इन अ स्क्वायर. स्क्वायर में टोटल साइड कितनी होती है, ये भी मैथ्स में हमने सीखा है, सो 4. 12 नंबर, नंबर ऑफ मून्स द प्लैनेट जुपिटर हैज. जो जुपिटर प्लैनेट है उसके टोटल मून्स कितने हैं, सो इट इज 79. नाउ 13 नंबर, डेज इन अ लीप ईयर. ये आपको याद रखना है, ये मैथ्स में भी आपने सीखा है. लीप ईयर जो है उसमें टोटल डेज 366. ओके, जनरल जो लीप ईयर नहीं होता है उसमें 365 डेज होते हैं बट अगर लीप ईयर है सो उसमें 366 डेज होगे. नाउ 14 नंबर, नंबर ऑफ सेकेंड इन अ मिनट. 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होती है, 60 सेकेंड. ये भी आपको याद होना चाहिए, मैथ्स में ये भी टाइम का आता है. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट. नाउ 15 नंबर,
नंबर ऑफ स्पोक्स इन अशोका चक्र, इन द अशोका चक्र। हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें आपने देखा होगा बीच में अशोका चक्र होता है, सो उसमें टोटल स्पोक्स कितने होते हैं? 24। 16 नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन द चेस बोर्ड, यानी चेस बोर्ड जो होता है उसमें टोटल स्क्वायर्स कितने होते हैं? सो 64। नाउ 17 नंबर, वन डजन इज इक्वल टू, वन डजन इज इक्वल टू 12। ओके, ये आपको याद रखना है। एक डजन, जब आप डजन बोलते हो सो उसमें टोटल 12 थिंग्स आ जाती है। ओके, वन डजन ऑफ एग्स, तो आपको क्या काउंट करना है? 12। वन नहीं काउंट करोगे, उसमें वन डजन यानी कि 12 नंबर आपको काउंट करना है। 18 नंबर, प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, ये भी आपको पता होगा 11। ओके, क्रिकेट टीम में टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं? 11। नंबर ऑफ इंचेस इन अ फुट, एक फुट में कितने इंचेस आते हैं? 12। वन फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, या 12 इंचेस इज इक्वल टू वन फुट। नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, यानी जो एडल्ट ह्यूमन, जो जब हम बड़े हो जाते हैं तब एडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 206। ओके, सो ये सारा जो है वो टोटल नंबर बेस्ड पे दिया है, आपको हिंट याद रखनी है और ये आपको पूरे लाइफ टाइम काम आए ऐसी सारी चीज़ें दी गई है, इसमें कोई चेंज होता नहीं है, ये जो है वो फैक्ट है। सो आपको ये सारे याद, जो नंबर दिए हैं वो आपको याद रखने हैं। नाउ चैप्टर नंबर 4, आर कंट्री। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे सी स्टूडेंट, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ इंडिया, इच पिक्चर इज रिलेटेड टू एंटीक, राइट द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो पूरा देखो आप, टोटली वो पिक्चर बेस्ड हमारा चैप्टर है। सो इसमें हमें क्या करना है, पहले ही आप देखोगे यहाँ पे पिक्चर दिया है, नीचे टू ऑप्शन दिए हैं। ये जो है चैप्टर वो आप खुद से सॉल्व करोगे, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये पिक्चर कौन सा है और ये दो प्लेस में से किस, कौन से प्लेस से वो रिलेटेड है, जो प्लेस से रिलेटेड है उसके ऊपर आपको राइट करना है। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे फोर्थ नंबर का जो पिक्चर दिखाया है वहाँ पे, यहाँ पे टू जो वुमन है वो डांडिया रास कर रही है और यहाँ पे प्लेस दी है पंजाब एंड गुजरात। सो जो ये गरबा जो है वो किसका गरबा या डांडिया रास जो किसका फेमस है? गुजरात का, तो हम उसके ऊपर राइट करेंगे। सो इस तरीके से ये जो बाकी बचे पिक्चर है उसमें आपको फाइंड आउट करना है, पिक्चर भी दिया है दो प्लेस भी दी है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपके नॉलेज में ज़्यादा बढ़ा, अगर आप ये फाइंड आउट करोगे तो उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओके, सो इसीलिए आप ये सारे पिक्चर को फाइंड आउट करके राइट प्लेस पे आप टिक मार्क लगाओ। नाउ चैप्टर नंबर 5, क्विज ऑन डबल ओ वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे ऐसे वर्ड्स है जिसमें डबल ओ साथ में आता है और सारे वर्ड्स में सेम ही है। ओके, सेम यानी कि डबल ओ जो है वो साथ में आता है, वैसे वर्ड हमें फाइंड आउट करने हैं, जिसके लिए यहाँ पे हमें हिंट भी दी है। हियर इज एन इंटरेस्टिंग क्विज फॉर यू, गिवन आर द हिंट टू फाइंड द डबल ओ वर्ड्स एंड राइट देम इन द बॉक्सेस गिवन, वन इज डन फॉर यू। सो यहाँ पे आप देखोगे आपको बॉक्स भी दिया है, डबल ओ कहाँ आएगा वो लिख के भी दिया है, बट आगे पीछे के जो लेटर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमें करके दिया है, फर्स्ट वन पॉपुलर ऑनलाइन सर्च इंजिन। ओके, कौन सा ऐसा इंजिन है जो पॉपुलर है, वो सर्चिंग सर्च इंजिन जाना जाता है, सो वो है याहू। अब याहू में आप देखोगे यहाँ पे डबल ओ साथ में दिया है। नाउ सेकेंड वन सी हियर, एन एरिया इन विच लाइव एनिमल्स आर कैप्ट इन केजेस और लार्ज एनक्लोजर फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, यानी ऐसा एरिया जहाँ पे जो लाइव एनिमल को रखा जाता है, किस पे रखते हैं वो लोग, केजेस में बंद करके उनको रखते हैं और उसको पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रखते हैं। सो ऐसी जो प्लेस है, एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? जू। डबल ओ लिख के दिया है, हमें सिर्फ जेड यहाँ पे अरेंज करना है। नाउ थर्ड वन,
tree like tropical grass having woody usually hollow stem. ओके, हॉलो स्ट्रीम वाला जो ऐसा ग्रास वो दिखता है हमें कैसा, ट्री के जैसा, बट वो जाना जाता है एक ग्रास के नाम से. ओके, और ऐसा जो ऐसा जो वुड है जिसका स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, स्टेम उसका हेलो स्टेम होता है. सो उसको ऐसा कौन सा है ग्रास जिसका नाम है, यहाँ पे देखोगे आप डबल ओ लिख के दिया है, उसका नाम है बैम्बू. ओके, बैम्बू प्लांट जो है उसको हम ग्रास के नाम से भी जानते हैं, वो दिखता है ट्री के जैसा बट वाकई में वो क्या है, ग्रास है. नाउ फोर्थ वन, इट इज़ यूज टू डेकोरेट द हाउस ऑन बर्थडे. ओके, ऐसे कौन सी चीज़ है जो बर्थडे डेकोरेशन में हम यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ होती है बट उस पर डबल ओ वाला वर्ड कौन सा है, सो बलून. नाउ फिफ्थ वन, पीपल हु शेयर लिविंग क्वार्टर्स एंड रूम्स. ओके, क्वार्टर्स और या रूम्स जो शेयर करके रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सो रूममेट्स. ओके, डबल ओ लिख के दिया है, बाकी लेटर्स हमें अरेंज करने हैं. सिक्स्थ वन, डोनाल्ड डक्स रिच अंकल. ये जो डोनाल्ड डक्स के रिच अंकल है उनका नाम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो वो है स्क्रूज. ओके, स्क्रूज, डोनाल्ड डक के रिच अंकल का नाम क्या है, स्क्रूज. नाउ द रेड लिक्विड दैट इज सेंट अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट. ऐसा रेड लिक्विड जो हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है, सो नेम इज ब्लड. ओके, आंसर क्या है आपका, ब्लड. ब्लड जो है वो रेड लिक्विड है और वो हमारे पूरी बॉडी में हार्ट के थ्रू पहुंचाया जाता है. नाउ एट नंबर, इट इज़ यूज टू हेयर वॉश. सो हेयर वॉश के लिए हम वाटर भी यूज़ करते हैं, है ना, बट यहाँ पे हमें डबल ओ वाडा वाला जो वर्ड है वो फाइंड आउट करना है, सो दिस इज शैम्पू. नाउ नाइन नंबर, डोम शेप्ड शेल्टर वेयर एस्किमो लिव. यानी कि जो डोम शेप यानी गुंबज शेप का ऐसा शेल्टर जहाँ पे एस्किमो जो लोग होते हैं वो रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्लू. नाउ टेन नंबर, सी हियर, अ स्मॉल डिवाइस विथ अ लॉन्ग हैंडल यूज फॉर क्लीनिंग द टीथ. यानी कि हमारे टीथ को क्लीन करने के लिए ऐसा लॉन्ग हैंडल वाला डिवाइस, और वो डिवाइस स्मॉल होता है बट उसका हैंडल कैसा होता है, लॉन्ग हैंडल, सो उसका नाम है टूथब्रश. ओके, सो इस तरीके से आपको ये 1 to 10th जो डबल ओ वाले वर्ड्स है जहाँ पे हमें ब्लैंक दिया है, आपको इस तरीके से मैंने जैसे लिखा है आपको भी अंदर आंसर लिखने हैं.